In this problem, you are given a rod जिस पे चार forces लग रहे हैं, चारों का magnitude equal है और direction एक दूसरे का opposite है, इस तरीके से F का opposite ये, F का opposite ये। आपसे कहा गया है कि इन forces के लगने की position कहाँ है, एक end से 20, 40, 60 और 80 centimeter पे। आपसे पूछा गया है कि इस object पे net force लग रहा है कि नहीं और net torque लग रहा है कि नहीं। तो अगर हम F net के बारे में बात करें, net force के बारे में बात करें, तो वो तो simply क्या बोल सकते हैं आप, इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स जीरो, बस इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स जीरो। नेट फोर्स तो जीरो है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन टाउ नेट अगर देखा जाए, नेट टॉर्क को देखा जाए, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर एक कपल बना रहे, क्योंकि दोनों के बीच में एक आर परपेंडिकुलर है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल। ये दोनों फोर्सेज मिलकर भी एक कपल बना रहे, दोनों के बीच में आर परपेंडिकुलर है और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। तो ये एक कपल हो गया, दूसरा कपल हो गया, और दोनों के टॉर्क का डायरेक्शन भी सेम है। इसका टॉर्क का डायरेक्शन आपकी स्क्रीन के बाहर की तरफ, इसके टॉर्क का डायरेक्शन भी आपकी स्क्रीन के बाहर की तरफ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स दोनों ऐड होंगे, और इसलिए नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है। मतलब ये जो रॉड है, ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे क्या, ये एंगुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, पर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क यहाँ पे लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है। यही आपका आंसर है।